सप्ताहों में संपूर्ण विश्व कोरोना वायरस से जूझ रहा है। अमेरिका, इंग्लैंड और फ्रांस जैसे शक्तिशाली राष्ट्र भी कोरोना से विवश हो चुके हैं। विश्व भर में 19 लाख से ज्यादा लोग कोरोना की चपेट में हैं और 1 लाख से ज्यादा मौत के शिकार हो चुके हैं। अरबों लोग अपने घरों में बंदी होने के लिए बाध्य हो चुके हैं। इस भयंकर आपदा के समय भारतीय संस्कृति के कई मूल्य उभर कर सामने आए हैं, जिनको पहले रूढ़िवाद के रूप में देखा जाता था। पहाड़ों, नदियों, वनस्पति एवं अन्य जीवों का आदर एवं उनकी रक्षा करना हमारी संस्कृति की परंपरा रही है। हमने प्रकृति को माता के रूप में माना है। इन मूल्यों का कुठाराघात होने की वजह से आज प्रकृति ने स्पष्ट संदेश दे दिया है कि इन मूल्यों को पुनर्जीवित किए बिना मनुष्य जीवन संभव नहीं है। कोरोना ने आज राजा और रंक, अमीर और गरीब, अमेरिका और भारत सबको एक कगार पर खड़ा कर दिया है। राजनीतिक एवं भौतिक सीमाएं टूट चुकी हैं। वासुदेव कुटुंबकम की भारतीय परंपरा आज पूर्ण रूप से सत्य नजर आ रही है। भौतिकवादी व्यवस्था और सांस्कृतिक संसाधनों के दुरुपयोग ने प्रकृति के अंग अंग को विषैला बना दिया है। आर्थिक विकास प्रकृति के विनाश का पर्यायवाची बन चुका है। सादगी एवं संयम का जीवन ही, जो भारतीय संस्कृति का एक अभूतपूर्व मूल्य रहा है, इस विपदा से मनुष्य जाति की रक्षा कर सकता है। इच्छाएं अनंत हैं, परंतु आवश्यकताएं सीमित। इच्छाओं को सीमित रखना ही सभ्यता और शिक्षा की निशानी है। इन इच्छाओं के जाल में डूबना नहीं। भारतीय संस्कृति की अन्य परंपराओं का वैज्ञानिक आधार भी अब स्पष्ट होता जा रहा है। घी का दीपक जलाना, हवन करना, योग एवं ध्यान की प्रक्रिया, शाकाहारी भोजन करना, भोजन में हल्दी, अदरक, लौंग, नींबू, पीपल, शहद आदि का उपयोग करना, हाथ जोड़कर नमस्कार करना, मृत व्यक्ति को जलाना आदि आदि हमारी परंपराओं के वैज्ञानिक आधार को लोग मानना शुरू कर रहे हैं। हम भारतीयों को इन मूल्यों पर गर्व होना चाहिए, जो हमारे पूर्वजों की अभूतपूर्व देन है। समय की मांग है कि हम इन मूल्यों को समझें और लोगों को भी समझाएं। सादगी, संयम की जिंदगी एवं अति से बचना एक अच्छे मानव और मानवीयता की पहचान है। आओ हम सब मिलकर इस आपातकालीन परिस्थितियों में सभी के मंगल की कामना करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। जय हिंद।